अच्छा गाइस, तो गेम के अंदर इबो स्कार की गन स्किन फिर से रिटर्न में आ चुकी है और आज की वीडियो में हम लोग इबो स्कार की एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करके देखेंगे कि इबो स्कार से कितना डैमेज लगता है और ये वाली गन आपके लिए किस तरह से काम में आ सकती है। उसके बाद हम लोग इबो स्कार का कंपेरिजन करेंगे ड्रैको एके के साथ में। अब आप लोग बोलोगे कि ड्रैको एके के साथ में कंपेरिजन क्यों करना है, क्योंकि इबो स्कार और ड्रैको एके इन दोनों के एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोगों को इवो स्कार वाली गन निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं इवो स्कार के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इवो स्कार के एट्रीब्यूट्स बहुत ही सिंपल है। इसमें डैमेज सिंगल है, रेट ऑफ फायर डबल है और रीलोड स्पीड माइनस है। रेट ऑफ फायर डबल है जो इसका एक प्लस पॉइंट है। रेट ऑफ फायर डबल होने से आप लोगों की जो गन की बुलेट होती है वो कम समय में ज्यादा बुलेट निकलती है, जिसकी वजह से एनिमी को डैमेज ज्यादा पड़ता है और इसका डैमेज भी प्लस है तो डैमेज और भी ज्यादा पड़ेगा। तो इस वाली गन के एट्रीब्यूट्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग इस वाली गन की एबिलिटी को टेस्ट करके भी देखते हैं। तो आप लोगों के बैकग्राउंड में इवो स्कार का गेम प्ले चल रहा है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बिना बेस्ट के साथ में जब बॉडी डैमेज लगाया तो 30 का बॉडी डैमेज लगा। उसके बाद जब मैंने हेड पर डैमेज लगाया लेवल 2 वाले हेलमेट के साथ तो फिर 90 और 165 का डैमेज पड़ा, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स इस तरह से काम करते हैं। अगर आप लोग इवो स्कार गन का पूरा यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वाली गन को लेवल 6 पर अपग्रेड करना पड़ेगा। लेवल 6 पर अपग्रेड करने से आप लोग इसके फुल एट्रीब्यूट्स का यूज कर पाएंगे। लेवल 7 पर इसका केवल इमोट ही ओपन होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इवो स्कार के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ड्रैको एके वाली गन के साथ मैच करते हैं। तो आप लोगों के बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, एक साइड में इबो स्कार का एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं और एक साइड में ड्रैको एके के एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं। दोनों का रेट ऑफ फायर सेम है, यानी कि दोनों में ही रेट ऑफ फायर डबल है। दोनों का डैमेज भी सिंगल है, केवल चेंजेस है रीलोड स्पीड और मूवमेंट स्पीड में। जहाँ पर इबो स्कार में रीलोड स्पीड माइनस है, वहीं पर ड्रैको एके में मूवमेंट स्पीड माइनस है। तो जैसा कि दोनों के एट्रीब्यूट्स सेम है तो दोनों का डैमेज भी सेम ही होगा। जब भी आप लोग ड्रैगो एके से बॉडी शॉट लगाएंगे तो भी 30 का बॉडी शॉट लगेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और मैंने इवो स्कार से भी बॉडी डैमेज लगाया था तो भी 30 का ही बॉडी डैमेज लगा था। दोनों के एट्रीब्यूट्स सेम है तो दोनों का डैमेज भी सेम होगा। मैंने दोनों गन के एट्रीब्यूट्स आपके सामने रखे और दोनों को टेस्ट करके भी दिखाया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इवो स्कार आप लोगों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आप लोग बोलोगे, हर्ष भाई आप बताइए कि हम लोग इवो स्कार को निकालें या नहीं। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा, अगर आपके पास में ड्रैको एके पहले से है तो आप लोगों को इवो स्कार वाली स्किन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के एट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट सेम है तो दोनों का डैमेज भी सेम है। अगर आप लोग मेरा सजेशन जानना चाहते हैं तो आप लोगों को इवो स्कार गन नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में ड्रैको एके गन नहीं है तो आप लोग इवो स्कार गन को फिर भी ना निकालें, क्योंकि इवो स्कार का मुझे किल इफेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इवो स्कार गन की मुझे दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ड्रैको एके दिखने में बहुत ही खतरनाक लगती है और इसका लुक भी बहुत उमदा है और ड्रैको एके का किल इफेक्ट और इमोट भी बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो आप लोगों को ड्रैको एके गन का वेट करना चाहिए। लेकिन मैं लास्ट में आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोगों को गेम में ज्यादा डायमंड वेस्ट नहीं करने चाहिए। आप लोग कोई भी इवो वाली गन निकालेंगे उसमें आपका 15 से 20,000 डायमंड वेस्ट हो जाता है, आगे आपकी मर्जी। आई होप कि आप लोगों को ये वाला कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस तरह के और कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल को एक प्रो प्लेयर की तरह सजाना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप लोग किसी कैरेक्टर के ऊपर फुल वीडियो देखना चाहते हैं कि किस कैरेक्टर का क्या काम है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।